यूपी के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति पत्नी की अनबन में ससुरालियों ने दामाद को लोहे की राड से वार कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला स्वार क्षेत्र के थाना मिलक खानम का है। आपको बता दें कि चंद रोज पहले रंजीत निवासी अपलगढ़ थाना टांडा की शादी एक साल पूर्व गज्जूपुर में हुई थी। रंजीत अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल गया था, जहां पर किसी बात को लेकर ससुराल वालों की रंजीत से कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ससुराल वालों ने रंजीत के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रंजीत के परिजन थाना मिलक खानम में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सुरेश नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं अपलगढ़ रहता हूँ। थाना मिलक खानम आए हैं, क्या मामला है? हम मिलक खानम आए सर, यहाँ पे तहरीर दिखलाने आए हैं। क्या दिखलाने आए, क्या मामला हुआ? सर मेरे भाई को जान से मार दिया है। किसने? उसकी घरवाली है, उसका चाचा है और उसका ससुर। कहाँ मार दिया? मारा पीटा था, धारदार उससे रॉड से बार करा। उसको क्या करना आया था? वो ससुराल भाई भी बुलाना आया था सर। वो जो है उसको अपनी घरवाली को बुलाना आया था। कब आया था ये? आया था 21 तारीख को, कम से कम 12 बजे यहाँ। मामला क्या तरीका है ये? कैसे सर? ये मामला क्या तरीका है जो लड़का ये 21 तारीख का? 21 तारीख का ही है जी। तो आप कैसे आप आज थाने आए हैं आप? जी जी। क्या मुकदमा लिखी आपका? सर मुकदमा की कार्रवाई अब चालू हो रही है, चालू मतलब चल रही है इस टाइम प्रक्रिया। क्या चाहते हैं? बस हम तो इंसाफ चाहते हैं। में जो आज एक मुकदमा दर्ज हुआ है 302 का, क्या है पूरा मामला है जानना चाहिए। एक व्यक्ति जो टांडा क्षेत्र का रहने वाला है, मिलक खानम क्षेत्र में उसकी ससुराल है। जैसा जानकारी हुई है कि उसका उसकी पत्नी के बीच अनबन थी, पत्नी मायके आई हुई थी, ये भी मायके एक तरह से अपनी ससुराल आया, जहाँ ससुरालियों से इसका कोई विवाद हुआ, जिसमें उसको इन्होंने इस तरह से इंजर्ड कर दिया कि उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद उन्होंने हायर सेंटर रिफ़र कर दिया और फिर हायर सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके उसके परिजनों ने आज तहरीर दी थी, जिसके आधार पर थाना मिलक खानम में मुकदमा लिख लिया गया है। विवेचना और गिरफ्तारी की कार्यवाही अतिशीघ्र पूरी कर ली जाएगी। सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कुंवर पाल। कौन है आप लड़के के? पिताजी। पिताजी कैसे कैसे मामला हो गया, क्या मामला हो गया लड़के के साथ? वो साहब घर से आया 10-11 बजे, और यहाँ आन के लड़की को बुलाना आया था ना? अभी बुलाना आया अपनी घर वाली को। ठीक। यहाँ आन के साहब झगड़ा हो गया। ठीक। मारपीट हुई साहब लड़के के साथ में। हाँ, फिर हमें पता चले शादी के साल पहले हुई। शादी 5 साल हुई है फागुन में, 24 जनवरी एक साल हो गया। फरवरी में एक साल हो गया। हाँ अच्छा, एक साल हुआ ना अभी। तो फिर आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी फ़ोन करा था यहीं से ही बहू ने, क्या घर को वो कौजा उठा कर ले जाओ। तुमने अच्छा, मैंने उठा कर ले जाऊँगा बाद में। पहले सभी जन हम आए, फिर यहाँ से जाने के बाद में तो देखा तो खटिया पर पड़ा था वो। कौन से गांव का मामला है? जग्गूपुरा। जग्गूपुरा भी कहते हैं, चिरीपुरा। गज्जूपुरा, गज्जूपुरा कहते हैं। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? अपलगढ़। अपलगढ़ से शादी हुई थी गज्जूपुरा में लड़के की। हाँ हाँ। आप थाने में आए उस टाइम, आपको मुकदमा दर्ज कर लिया गया पुलिस के द्वारा? हाँ, मुकदमा हो गया दर्ज। मुकदमा हो गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।